के प्रत्येक मेंबर, बच्चों को, मैनेजमेंट को, टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने हमें स्टेज प्रदान किया। इन लोगों का कार्य बहुत सराहनीय है। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, भोजन प्रोवाइड करना, अच्छी शिक्षा देना, ये सब कार्य जीवन स्कूल कर रहा है। जीवन स्कूल नाम ही है जीवन। जीवन में कुछ चीज़ें जरूरी होती है, वह है एक मूवी बनी हुई है, रोटी कपड़ा और मकान। क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, ये मूल चीज है। सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए बोलिए? सबको चाहिए ना, खाने के लिए रोटी सबको चाहिए, ये अधिकार है आपका। रोटी पाना आपका अधिकार है, कपड़ा पाना आपका अधिकार है, और रहने के लिए घर होना ये आपका अधिकार है। इसमें जो है सरकार सहयोग करेगी, यदि नहीं है तो सहयोग करेगी, या संस्था जैसे जीवन स्कूल संस्था है, ये भी सपोर्ट कर रहा है आप लोगों का। हम ज्ञान के माध्यम से जो मैं जानता हूँ आपको देने के लिए आया हूँ। मेरी संस्था टीम 360 जयपुर की संस्था है, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। मेरे ट्रेनर श्री विनीत शर्मा जी, विपुल शर्मा जी और डीडी शर्मा जी हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने मैनेजमेंट को धन्यवाद दिया। आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, आपने अमूल्य समय दिया, इसलिए अपने प्यारे बच्चों को भी कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ। इसके साथ मैं कुछ समस्याओं पर बात करूँगा। वह समस्या है एजुकेशनल समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, आध्यात्मिक समस्याएं। ये सब डिपेंड करता है आपके ब्रेन पर। किस पर डिपेंड करता है? आपके ब्रेन पर। लोग कहते हैं कि ऊपर वाला चाहेगा तो अच्छा होगा। तो हमारे शरीर में ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला ये है, कौन है? गर्दन के ऊपर। आपके पांच सेंस पढ़ते हैं, सेंस आर्गन कौन कौन से हैं पता है? आँख, कान, नाक और टन, ठीक है, और स्किन, ठीक है, कड़ा है या मुलायम है, ठीक है। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझा दे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्लियर हो रही सवाल? तो आंख से देखेंगे तो उससे हमें ज्ञान होगा, क्या होगा? ज्ञान होगा। कान से सुनेंगे तो भी हमें ज्ञान होगा। कुछ चीज हम इसे सूंघते हैं, सेंट को देख लिए, सेंट को देखने से पता तो चलता नहीं है, सोने से पता चलता है कि ये अच्छा मांग रहा है, ठीक है। उसी तरह यदि फूल है, फूल देखने से भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। और हवा को देख लो, हवा को दिखते हैं क्या? हवा नहीं दिखता है, तो कैसे पता चलता है? स्किन पर जब टच होता है तो हमें फील होता है, महसूस होता है। तो आपके आसपास जितनी चीज दिख रही है, ठीक है, जिसको आप इन पांचों सेंस से महसूस कर रहे हैं, उसका नाम क्या है पता है किसी को? वही एक बच्चे हाथ उठाए, उसे क्या कहते हैं पता है किसी को? क्लास 6, 7, 5, 4, 3, 2 कोई बच्चा उसे क्या कहते हैं? जिसको तुम आंख से देख रहे हो, जिसको छू पाते हो, जिसमें भार होता है, ठीक है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, क्या है बेटा? क्या? अच्छा चलो ठीक है, फिर और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? आप चलो मैं बताता हूँ
उसको कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर, या हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ। ठीक है, साइंस की दुनिया में जब जाओगे जो भी चीज तुम देख रहे हो, वो कापी, मैं, तुम, घर, मोबाइल, जो भी चीज देख रहे हो वो सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ क्या है? जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, ठीक है, वो सब क्या है? जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। क्लियर? तो हमें पढ़ना है ब्रेन के बारे में, ब्रेन का विकास कैसे होता है। पता है आपके ब्रेन का विकास कैसे होता है? नहीं पता है। ब्रेन का भोजन क्या है? पता है? नहीं। देखो, हमारे शरीर का विकास या ब्रेन का विकास होता है किससे? भोजन से और एक्सरसाइज से, प्राणायाम से। ठीक है, भोजन में, भोजन तो सबको पता है, और जल को जब हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, और बिना प्यास के, अगर दिमाग को तेज करना है तो क्या करना है? बिना प्यास के हमें पानी पीने की आदत डालनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप इतना सीख लिए, इसी से हम प्लस करवाते हैं। देखो, 1 + 5 कितना हो गया? 6, 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
माइनस फाइव कितना हो गया? माइनस टू कितना हो गया? माइनस वन कितना हो गया? जीरो। प्लस फाइव नहीं, प्लस फाइव अब बोलो, फाइव प्लस टू सेवन, प्लस टू नाइन, माइनस फोर वन नहीं, वन इज फाइव, प्लस टू माइनस वन, माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस फाइव, प्लस वन सेवन, प्लस टू नाइन, माइनस फाइव फोर, माइनस वन थ्री, माइनस वन टू, माइनस टू जीरो। तो ये हो गया प्लस और माइनस एक साथ बिना टेन कापी के करती है और कंप्यूटर से भी फास्ट। अभी आज के सिंगल डे के ट्रेनिंग में, 5 मिनट की ट्रेनिंग में, अभी मैम के पास मोबाइल है, मोबाइल है आपके पास, मैम जो बोल रहा हूँ बच्चे करेंगे, आप मोबाइल पर टाइप करिएगा, बच्चे आपसे फास्ट निकल जाएंगे। तैयार बच्चों? जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा मैम वहां पर लिखेंगी, जैसे ही इक्वल दबाएंगे उससे पहले तुम लोग आंसर दे दोगे, ठीक है? मात्र एक मिनट की ट्रेनिंग से। हाँ मैम करेंगे, रेडी? वन प्लस फाइव प्लस वन माइनस फाइव प्लस वन प्लस फाइव माइनस थ्री। बच्चे आगे निकल गए क्या? क्लैपिंग। धन्यवाद आपने इतना कीमती समय निकाल कर हम लोगों के साथ हम लोग इतनी ज्ञान की बातें बताया। धन्यवाद सर।